गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? मस्त। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो और अभी क्रिसमस वेकेशन भी गया, आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ाई भी की और क्रिसमस वेकेशन सेलिब्रेट भी किए। तो अब हम करेंगे, लास्ट में हमने क्या किया था? जॉइन एंड सेपरेट। और उससे पहले हमने क्या किया था? बिफोर नंबर्स, आफ्टर नंबर्स, बिटवीन नंबर्स, 1 to 20 नंबर्स। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम करेंगे चैप्टर। टेक्स्ट बुक निकालो, कल कल यू, आप सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो जो, और उसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, फर फरिए। ठीक है, तो हम करेंगे हमें फेर फुदरड़ी फरता। यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों खेल रहे हैं और दोनों घूम रहे हैं। फेर फुदरड़ी मतलब कि गोल घूमना, फेर फुदरड़ी गोल घूमना। हमें फेर फुदरड़ी फरता आता, हमें फेर फुदरड़ी फरता आता, फेर फुदरड़ी फरता फरता, बड़ी जवानी के भी मजा, बड़ी जवानी के भी मजा, भाई बड़ी जवानी के भी मजा। हमें संता पकड़ी रमता था, हमें संता पकड़ी रमता, संता पकड़ी रमता रमता, पकड़वानी पकड़ाई जवानी के भी मजा, भाई पकड़ाई जवानी के भी मजा। तो ये नंबर है फेर फुदरड़ी, जो बच्चे खेल रहे हैं फेर फुदरड़ी गोल घूमना, वो खेल रहे हैं फरता फरता, बड़ी जवानी के भी मजा था, वो गोल घूम घूम के गिर जाना भी कितना अच्छा लगता है। उसके बाद संता पकड़ी रंता रंता, संता पकड़ी जो पकड़ा पकड़ी जो खेल होता है एक दूसरे को पकड़ना, तो पकड़ा पकड़ी रहने के लिए पकड़ाई जवानी के लिए बता, जब उसको पकड़ने जाते हैं और वो जब पकड़ में आती है तो कितनी मजा आती है। तो ये बच्चे देख रहे हो फेर फुदरड़ी, ये भी यहाँ पर दोनों लोग खेल रहे हैं। इसमें देख रहे हो ये दोनों जो पेड़ पे चढ़े हुए हैं और दोनों खेल रहे हैं, और यहाँ पर दोनों छुपाए छुप जो एक दूसरे को जो छुप रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं। देख पढ़ते हैं हम, हमें अमली पिपड़ी रमता आता, हमें अमली पिपड़ी रमता, अमली पिपड़ी रमता रमता, संताई जवानी के भी मजा, संताई जवानी के भी मजा। मतलब कि अमली पिपड़ी वाली गेम खेलते खेलते छुप जाना भी बहुत अच्छा लगता है। हमें बिल्ली गुंदर रमता आता, हमें बिल्ली गुंदर रमता आता, हमें चू चू म्याऊ म्याऊ करता आता, चू चू म्याऊ म्याऊ करता था, चू चू म्याऊ म्याऊ करता करता, नासी जवानी के भी मजा। नासी जवानी मतलब वहां से छोड़ देना, तो म्याऊ म्याऊ को चू 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 ऐसे जो बिल्ली उंदर करता था, मतलब कि बिल्ली को उंदर पसंद है तो वो हमेशा उंदर की शिकार में, चूहे के शिकार में रहता है। बिल्ली उंदर रमता था, चू चू म्याऊ म्याऊ करता था, तो एक तरफ म्याऊ म्याऊ बोल रहा है, एक तरफ चू 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 बोल रहा है। और फिर ऐसे करते करते वहां से जो बिल्ली देखे और वहां से उसको भाग जाता तो वो भी मजा आती है, नासी जवानी में लग के वहां से भाग जाना। तो ये सब आपने देखा, फेर फुदरड़ी रमता था, ये सब आप लोगों ने देखा। तो अब करेंगे वार्ता ऊपर, आपको अभी रीडिंग नहीं आती होगी पर मैं आपको रीड करके समझाती हूँ कि किस तरीके से हम स्टोरी समझेंगे। एक इंडा माती बतख नु बच्चू निकली अने बोल्यो, लो हूँ इंडा माती बाहर आवे, ये है अंडा। उसके अंदर से बतख का बच्चा निकला और उसने बोला कि लो मैं अब तो आ गया बाहर। मैंने बोली लो हूँ बराबरी कर, बतख नु बच्चू कहे तुम फरवा जाऊं छु, पिल्लू कहे तुम पर आड़िस। बतख को बच्चों क्या बोल रहा है, मैं घूमने जा रहा हूं, तो पिल्लू ने भी बोल दिया कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बतख को बच्चों कहे मुंह खाटो खोदू छु, बतख को बच्चों क्या बोल रहा है कि मैं जमीन में खड्डा खोद रहा हूं। उसके बाद पिल्लू ने क्या बोला देखे हम, पिल्लू कहे मुंह
बत्तख बच्चों क्या बोल रहा है, मुझे अड़स्यू मलियू। बत्तख बच्चों कहे मैं एक पतंगियों पकड़ी। बिल्लू कहे मैं पर पतंगियों पकड़ी, उसको एक झिंगड़ा मिला अड़स्यू। और बत्तख बच्चों कहे मुझे भी एक पतंगियों मिला। बिल्लू कहे मैं पर पतंगियों पकड़ी, और वो बोल रहा है कि मैंने भी पतंगियों पकड़ लिया। ये देख रहे हो आप, बत्तख बच्चों कहे हूँ तरवा मांगू छू। बिल्लू कहे हूँ पर तरवा मांगू छू। बिल्लू भी सेम उसकी कॉपी कर रहा है। बत्तख बच्चों कहे जुओ हूँ तरू छू। बिल्लू कहे हूँ पर तरीस पर आंसू। बत्तख बच्चों करे मुर्गी नु बच्चू कहीं करे। मुर्गी का बच्चा होता है वो तैरता है पानी में, नहीं जो बत्तख डक होता है वो पानी में तैर सकता है, जो मुर्गी का बच्चा होता है वो नहीं तैर सकता। तो डूबा लागी बचाओ बिल्लू में मुंह पर। बिल्लू ने क्या मुंह पाड़ी, मुझे बचाओ ऐसे करके उसने चिल्लाया। बत्तख का बच्चा है पिता ने पानी माथी बाहर काट। बत्तख का बच्चा है तो डरता आवड़े छे, वो तो अच्छे से तैर रहा है। फिर उसने पानी में से उसको बाहर निकाला। और पची बत्तख का बच्चा है मुर्गी ना बच्चा ने छुपकर फंसे। फिर उसने क्या किया होगा, फिर उसके साथ अच्छे से दोस्ती करनी होगी। तो ये देख रहे हो आप बत्तख का बच्चा और मुर्गी के बच्चे की दोनों की स्टोरी। तो वो दोनों वो जो कर रहा है बत्तख का बच्चा वो ही बिल्लू कर रहा है मुर्गी का बच्चा, तो वो दोनों सेम कॉपी कर रहे हैं। पर इस स्टोरी से हमको सीख मिलती है कि हमको किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमारे में जितनी काबिलियत है हमको उतना ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी और पोयम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम करेंगे मैच। आपके साथ फायरफ्लाई बुक है उसमें आप सब लोगों ने भ कर लिया है, उसके बाद म भी कर लिया है, उसके बाद हम करेंगे मैच। ये वाला मैच आप देख रहे हो, तो ये है लेटर, उसके साथ मैच करना है। यस, तो आप ये लेटर के साथ कैसे मैच करोगे, जैसे कि ये है बटरफ्लाई, उसको हम बोलेंगे पतंगियों, तो के साथ मैच करना है। ये क्या है फ्रूट्स फल, तो ये फ के साथ। उसके बाद ये है बकरी, ब के साथ मैच करेंगे। और ये है मरड़ो, तो वो ख के साथ मैच करेंगे। और ये है मीणबत्ती कैंडल, वो मीणबत्ती म के साथ मैच करेंगे। तो ये है फ फ ब म, ये वाला जो राइटिंग होती है, जो ये लेटर होते हैं वो होंठ से बोले जाते हैं। आप ट्राई करना कैसे होंठ से बोलते हैं, जैसे कि प फ प भ म, वो पूरे होंठ का ही यूज होता है इसके अंदर। तो आज उपयोग था जैसे कि औषधीय परिवार जे औषधीय, क्या बोलते हैं उसको औषधीय। यस, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं हम। ये है कौन सा है, कोई भी है, पर हम यहाँ पक्षी के ध्यान रखेंगे पक्षी। ये है फटाकड़ा फ, गीचो ध्यान रखेंगे बगीचो, भीता मगरा। तो आपको मैं इसी पीडीएफ भेजूँ, आप अपनी फायरफ्लाई बुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने जो आपको पोएम समझाई है वो आप अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।